ग्लोबल वार्मिंग नाम तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन इसे लेकर अब गंभीरता दिखाने की जरूरत है। ये पूरी दुनिया के लिए समस्या है और इससे निपटने की कोशिश जारी है, लेकिन नाकाफी है। विश्व पर्यावरण दिवस पर समझते हैं कि क्या है ये खतरा, ये बढ़ा तो दुनिया क्या खत्म हो सकती है। सबसे पहले जानिए कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। नाम से ही जाहिर है, हमारी धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। नेचुरली अर्थ को गर्माहट सूरज से मिलती है और जिंदा रहने के लिए कम से कम 16 डिग्री टेम्परेचर की हमें जरूरत है। लेकिन दुनिया भर में जिस तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, उससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। जाहिर है इसके लिए जिम्मेदार है तेजी से बढ़ती इंडस्ट्रीज, जंगलों का विनाश और पर्यावरण के प्रति लापरवाही। सवाल अब बड़ा ये है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो फिर क्या होगा। सबसे पहले तो दुनिया भर के बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे। हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई जो बेहद डराने वाली है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, दुनिया के दोनों ध्रुवों पर मौजूद ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और दुनिया के बड़े देश जैसे मुंबई, ढाका, शंघाई, लंदन, न्यूयॉर्क, मॉरिशस, लॉस एंजलिस, कोपेनहेगन, जकार्ता, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स और चिली का सेंटियागो समंदर में समा सकता है। दुनिया के 90 करोड़ लोगों की जिंदगी पर इसका असर होगा। संयुक्त राष्ट्र के चीफ एंटोनियो गुटेरस ने दुनिया को चेतावनी भरे लहजे में समझाया भी है कि बढ़ते हुए समुद्री जल स्तर से धरती को जो खतरा है वो हमारी सोच से बड़ा है। WMO की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 1900 से लेकर अब तक ग्लोबल सी लेवल में जो औसत वृद्धि दर्ज की गई, उतनी पिछले 3000 सालों में नहीं हुई। साथ ही 2013 से लेकर 2022 के दौरान समुद्र का जल स्तर हर साल 4.5 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की रफ्तार से बढ़ता चला गया, जो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है। आपको समझ ही आ गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग का असर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे घर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एनवायरनमेंट की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं। सबसे पहला नाम इनमें आता है प्लास्टिक का। कुछ तो रिसाइकल हो जाती हैं और कुछ रोज के कचरे में शामिल होकर हमें और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। ग्लोबल वार्मिंग तो लगातार बढ़ रही है और पर्यावरण प्रदूषण इसका सबसे बड़ा रीजन है। पर्यावरण प्रदूषण हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। लंग इन्फेक्शन, हार्ट स्ट्रोक्स, CPOD, अस्थमा, ये सब तो हो ही सकते हैं, लेकिन पॉल्यूशन इंसानों की मेंटल हेल्थ को भी बिगाड़ देता है। जरूरी है कि आप खुद से कुछ वादे करें, जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जंगलों को कटने से बचाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, ऐसी चीजों पर पाबंदी लगाएं जिससे ज्यादा कार्बन निकलता हो, अपनी गाड़ियों का वक्त वक्त पर पॉल्यूशन टेस्ट जरूर करवाएं, रिसाइकल और रीयूजेबल चीजों का इस्तेमाल करें। अगर हमने वक्त पर ये कदम नहीं उठाए तो ग्लोबल वार्मिंग का असर, पर्यावरण प्रदूषण का असर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जो हमारी सोच से भी परे है।